दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पिक्सटून्स एनिमेशन स्टूडियो। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। 25 साल पहले अयोध्या में मस्जिद के अलावा और भी बहुत कुछ टूटा था। 25 साल की लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद 6 दिसंबर की यादें आते ही मैं अपने आप को मानस भवन की छत पर खड़ा पाता हूँ और विवादित बाबरी मस्जिद के विध्वंस का पूरा दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। मानस भवन वही धर्मशाला है जिसमें मैं उससे 10 साल पहले 1982 में रुका था। एक पत्रकार मित्र ने बगल की विवादित बाबरी मस्जिद दिखाई थी जिसके बाहरी इलाके में राम चबूतरे पर अखंड कीर्तन चलता था और चरण पादुका, सीता रसोई आदि कल्पित स्थानों पर हिंदू लोग परिक्रमा करते माथा नवाते थे। राम चबूतरे पर लंबे समय से रामानंदी संप्रदाय के निर्मोही अखाड़े पर कब्जा है। निर्मोही अखाड़ा 125 साल से अधिक समय से वहाँ मंदिर बनाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई। मस्जिद के अंदर भगवान राम की बलमूर्ति मूर्ति रखी थी जो 22 या 23 दिसंबर की रात प्रकट हुई अथवा तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग से में रख दी गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मस्जिद में से मूर्ति हटवाने का निर्देश दिया था जिसका पालन करने से जिला मजिस्ट्रेट ने इनकार कर दिया था। तभी से अदालत में मस्जिद को कुर्क करके रिसीवर बैठा दिया गया था। बाहर पुलिस का पहरा लगा गया और अदालत द्वारा नियुक्त एक पुजारी इन मूर्तियों की पूजा करने अर्चना करता था। संघ परिवार के बहुत दिनों से ऐसे एक मुद्दे की तलाश थी जिसके जरिए जातियों में बटे हिंदू समुदाय को एकजुट किया जा सके। माना जाता है कि इसी के मकसद से 1984 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू किया गया। इसी अभियान के चलते फरवरी 1986 में जब केंद्र में कांग्रेस की राजीव गांधी नेतृत्व वाली सरकार थी, अदालत ने विवादित परिसर का ताला खुलवा दिया। प्रतिक्रिया में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ। इसी बीच मामला जिला अदालत से उठकर लखनऊ हाईकोर्ट पहुंच गया। फिर सुलह समझौते की उम्मीदें 1989 लोकसभा से पहले राजीव गांधी ने मस्जिद से करीब 200 फीट दूरी यानी लगभग मानस भवन के नीचे नए राम मंदिर का शिलान्यास करवा दिया। राजीव गांधी चुनाव हार गए। वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार में भी सुलह के समझौते की कोशिश बेकार गई। अडवाणी ने तूफान खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकालकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। 1991 में कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में वापस आई और फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते उत्तर प्रदेश में पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा देकर मस्जिद की सुरक्षा का वादा किया जिसके चलते अदालत ने विश्व हिंदू परिषद को सांकेतिक कार सेवा की अनुमति दी थी। लेकिन VHP और BJP नेताओं ने देश भर में घूम घूम कर कार सेवकों को मस्जिद की नामोनिशा मिटाने की कस्में खिलाई थी। इनका हौसला बढ़ाने के लिए कल्याण सिंह ने घोषणा कर रखी थी कि पुलिस कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएगी। इससे पहले 1990 में मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाकर मस्जिदों को टूटने से बचा लिया था। कल्याण सिंह ने विवादित परिसर के बगल स्थित प्रस्तावित रामकथा पार्क की 42 एकड़ जमीन पर विश्व हिंदू परिषद को दे ही दी थी। इसके अलावा पर्यटन विकास के नाम पर कई मंदिरों और धर्मशालाओं की जमीन अग्रहित कर समतलीकरण करवा दिया था और बाद में फैजाबाद अयोध्या राजमार्ग से सीधे विवादित स्थल के लिए चौड़ी सड़क बना दी थी। देश भर से आए कार सेवकों को ठहरने के लिए विवादित परिसर के से सटकर तंबूर तैनात लगाए गए थे। इन्हें लगाने के लिए फावड़े, कुदाल, रस्सियाँ वगैरह भी लाई गई थी जो बाद में मस्जिद के गुम्बदों पर चढ़ने और उन्हें तोड़ने के औजार के रूप में काम आए। कुल मिलाकर विवादित परिसर के आसपास कार सेवकों का ही कब्जा था। इन लोगों ने 4-5 दिन पहले ही आसपास की कुछ मज़ारों को क्षतिग्रस्त करके और मुस्लिम घरों में आग लगाकर अपना आक्रामक रुख प्रकट किया था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति प्रेक्षक जिला जज तेज शंकर कह रहे थे कि सांकेतिक कार सेवा शांतिपूर्वक कराने के लिए सारी व्यवस्था दुरुस्त है। सांकेतिक कार सेवा का फैसला एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को दोपहर विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल ने औपचारिक निर्णय लिया कि वो केवल सांकेतिक कार सेवा होगी। निर्णय के अनुसार कार सेवा सरयू से जल और रेत लेकर आएंगे और मस्जिद से कुछ दूर शिलान्यास स्थल पर समर्पित कर वापस चले जाएंगे। जैसे ही इस निर्णय की घोषणा हुई कार सेवकों में रोष फैल गया। विश्व हिंदू परिषद ने सर्वोच्च नेता जब कार सेवकपुरम पहुंचे तो उत्तेजित कार सेवकों ने उन्हें घेर कर बुरी तरह बुरी भला कहा। कार सेवकों का कहना था कि नेता लोग कुछ भी नहीं कहें, हम तो असली कार सेवा करने यानी मस्जिद को ध्वस्त करके ही जाएंगे। शाम को कार सेवकों ने कई टीवी रिपोर्टरों और कैमरा वालों के साथ मारपीट की
उधर लखनऊ की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने एक आम सभा के कार्यसेवक को ये कहते हुए हौसला बढ़ाया कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है। वाजपेयी शाम को ट्रेन की दिल्ली से चले गए, जबकि अडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कल्याण सिंह से मंत्रता कर रात में अयोध्या पहुंच गए। 6 दिसंबर की सुबह जहां अयोध्या में श्रीराम के नारे गूंज रहे थे, वहीं फैजाबाद छावनी इलाके में बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्धबल सैन्य बल इस तैयारी में थे कि जैसे ही बुलावा आ जाए वो अयोध्या कूच कर देंगे। सेना वायुसेना भी निगरानी पर थी। ये बात दीगर की राज्य सरकार ने वहाँ इनकी तैनाती पर एतराज़ जताया था, यानी राज्य सरकार की तरफ से साफ था कि कार सेवकों को बल प्रयोग नहीं होगा। मानस भवन की छत पर जहाँ पत्रकार लोग खड़े थे, मस्जिद के उसे ठीक सामने दाहिनी तरफ जन्म स्थान मंदिर के ऊपर कमिश्नर DIG और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अफसर थे, और मानस भवन से बाएं रामकथा कुंज में एक जैन सभा रखी गई थी जहाँ सिंघल अडवाणी जोशी उमा भारती आदि नेता जमा थे। यज्ञ स्थल का नज़ारा, मस्जिद और मानस भवन के बीच शिलान्यास स्थल को यज्ञ स्थल जैसा बनाया गया था जहां महंत रामचंद्र परमहंस और दीगर साधु संत सन्यासी जमा थे। इसी स्थान पर 11 बजे सांकेतिक कार सेवा होनी थी। माथे पर केसरिया पट्टी बांधे RSS कार्यकर्ता सुरक्षा के लिए तैनात थे, उनके पीछे रस्सा लगाकर पुलिस थी ताकि यज्ञ स्थल तक विशिष्ट लोग ही जा सके। दिन में 10:30 बजे के आसपास डॉक्टर जोशी और वाणी यज्ञ स्थल की तरफ आए, उनके पीछे तरफ से कार सेवक घुसने लगे। पुलिस ने रोका पर वो नहीं माने, तब केसरिया पट्टी बांधे वॉलंटियर्स ने उन्हें अपनी लाठियां बांधनी शुरू की, जिस पर पूरे कैंप में तीखी प्रतिक्रिया है। देखते देखते कार सेवक मस्जिद की ओर दौड़ने लगे। मस्जिद की सुरक्षा के लिए चारों तरफ लोहे का जाल लगा दिया था, लाचार दिखे सुरक्षा बल। पीछे से एक ग्रुप ने पेड़ में रस्ता फेंका और उसके सहारे मस्जिद के अंदर घुसने का प्रयास किया। VIP स्थल के पास तैनात पुलिस ने कुछ देर कार सेवकों को मस्जिद आने की तरफ से जाने रोका की कोशिश की, मगर कुछ ही मिनटों में एक कर नई कार सेवक मस्जिद में गुंबद के ऊपर चढ़ते नजर आने लगे। इन्हें देखकर जोर जोर से नारे लगने लगे, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो। सभास्थल से अशोक सिंघल और कुछ अन्य नेताओं ने कार सेवकों से नीचे उतरने की अपीलें की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कुदाल फावड़ा जिसके पास जो औजार था उससे गुंबद तोड़ने लगे। कुछ लोग चूने सुर्खी पर इमारत को हाथों से ही तोड़ने लगे। इस बीच मस्जिद की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र बल के लोग राइफलें कंधे पर लटकाए बाहर आ गए। सारे आला अफसर लाचार दिखे। इतने में कार सेवकों के एक ग्रुप ने आसपास के सारे टेलीफोन तार के तार तोड़ डाले। कार सेवकों का एक जत्था मानस भवन के ऊपर जो आया था और फोटो लेने से मना करने लगा। मैंने अपना कैमरा एक महिला पत्रकार के बैग में छिपा दिया, मगर कई फोटोग्राफर्स के कैमरे छीन कर उन्हें मारा पीटा गया। 12 बजे तक विध्वंस जोरों पर शुरू हो चुका था। अडवाणी को जो डर था फैजाबाद से केंद्रीय बल या फौज आ सकती है, इसलिए उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से मुख्य राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम करने की अपील की। कल्याण सिंह के इस्तीफे की पेशकश, कहते हैं कि कल्याण सिंह तक यहाँ खबर पहुंची तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की पेशकश की, लेकिन अडवाणी ने कहलाया कि जब तक मस्जिद गिर ना जाए वो इस्तीफा ना दे, क्योंकि इस्तीफा देते ही केंद्रीय शासन लग जाता है। इस बीच कुछ साधु संत भगवान राम लक्ष्मण की मूर्तियों को बाहर निकाल लाए। देखते ही देखते 5 बजे तक तीनों गुंबद धराशायी हो गए। इसके बाद कल्याण सिंह ने त्यागपत्र सौंपा। शाम को राष्ट्रपति शासन तो लग गया, लेकिन प्रशासन को ये समझ नहीं आया कि क्या करना क्या है, पर कार्रवाई के डर से कार सेवक अयोध्या से खिसकने लगे। कुछ लोगों निशानी के तौर पर मस्जिद की ईंटें साथ ले गए। अडवाणी जोशी और वाजपेयी जैसे नेताओं ने घटना को खेद प्रकट किया। पुलिस ने मस्जिद गिराने वाले लाखों अज्ञात कारसेवकों पर मुकदमा दर्ज किया। कुछ ही मिनट बाद भाजपा और विहिप के 8 बड़े नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और एक नामजद मुकदमा कायम किया गया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव दिनभर तो खामोश रहे, लेकिन पर शाम में अपने प्रसारण में न केवल घटना की भर्त्सना की बल्कि मस्जिद के पुनर्निर्माण की बात कही। केंद्र सरकार के निर्देश पर स्पेशल ट्रेनें बसें चलाई गई जिससे कारसेवक वापस घरों को जा सके और प्रशासन बिना बल प्रयोग किए विवादित स्थल पर कब्जा वापस ले। उधर कार सेवक का एक ग्रुप ध्वस्त हुई मस्जिद के मलबे में एक अस्थायी मंदिर बनाने में जुट गया। मूर्तियां वापस प्रतिष्ठित कर दी गई। 7 दिसंबर की पूरी रात हम टोह लेते कि प्रशासन कब्जा लेने जाएगा, कब कब्जा लेने जाता है। अचानक सुबह 4 बजे चहल पहल हुई। भागकर हम अयोध्या पहुंचे तो देखा कि प्रशासन ने कुछ बचे कुचे कार सेवकों को खदेड़ कर अस्थायी मंदिर पर कब्जा कर लिया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लोग श्रद्धा के साथ रामलला दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे थे। हमने भी कुछ तस्वीरें अफसरों से बात की।
हमने भी कुछ तस्वीरें खींची और अफसरों से बात की। अब पूरे घटना क्रम पर गौर करें तो 6 दिसंबर को अयोध्या में केवल बाबरी मस्जिद नहीं टूटी, बल्कि भारतीय संविधान के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की मर्यादा टूटी। शक्तियों के बंटवारे की संघीय अवधारणा टूटी, कानून के शासन की बुनियाद टूटी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया भी कार सेवकों के हमले की निशान शिकार हुआ, साथ ही संघ परिवार के अनुशासन का अभिमान भी टूटा। सब कुछ टूटने के बावजूद पिछले 25 सालों से में विवाद जहां का तहां है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं सूझ रहा कि अयोध्या का सिरा कहां से पकड़े। धन्यवाद।